राजघाट पुलिस ने अवैध कच्ची शराब के साथ दो अभियुक्तों को गिरफ्तार किया है, जिसके संबंध में राजघाट थाना प्रभारी रणधीर कुमार मिश्रा ने बताया कि मुखबिर की सूचना पर एक अभियुक्त को चक्रा दोयम अमरुदबाग से गिरफ्तार किया गया है, जिसके पास से 300 लीटर अवैध कच्ची शराब, 1 किलोग्राम यूरिया एवं 4 किलोग्राम नौशादन, 5 एल्युमिनियम का भदेला, शराब बनाने का उपकरण बरामद हुआ है, जिसकी पहचान बाबू राम पुत्र ब्रिजभार निवासी कठौर थाना रामगढ़ताल जिला गोरखपुर, दूसरा राम मिलन पुत्र शिवनाथ निवासी बलुई गाड़ा थाना बेलीपार गोरखपुर के रूप में हुई है। राजघाट थाना प्रभारी ने बताया कि अभियुक्त के ऊपर मुकदमा पंजीकृत कर जेल भेज दिया गया है। गिरफ्तार करने वाले पुलिस टीम में राजघाट थाना प्रभारी रणधीर कुमार मिश्र, टीपी नगर चौकी प्रभारी अनुप कुमार मिश्र, कांस्टेबल देवेंद्र कुमार, कुंदन कुमार, विनोद कुमार, रवि कुमार शामिल रहे।